नजर डालते हैं अगली खबर पर। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री पर की गई तालाबंदी के बाद उपजी स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थिति के लिए जहां कंपनी मालिकों का तानाशाही रवैया दोषी है, तो वहीं वर्तमान कांग्रेस सरकार की विफलता भी दोषी है। इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एक साथ एक ही समय पर दो सीमेंट फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। स्थिति से निपटने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मामले में हस्तक्षेप कर इस विकट समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का आग्रह भी किया है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि अगले 2 से 3 दिनों में ये समस्या नहीं सुलझती है तो भाजपा ट्रांसपोर्टरों व आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणधीर शर्मा ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। सीमेंट फैक्ट्रियों के मालिक द्वारा डालडा और बरमाणा स्थित दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों को बंद करने से उत्पन्न स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और 3 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम ना उठाने के लिए वर्तमान सरकार की निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कंपनी द्वारा दोनों फैक्ट्रियों को बंद करने का निर्णय तानाशाही पूर्ण है। इससे हमारे सोलन और बिलासपुर दोनों जिलों के हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और इस मामले का समाधान करना चाहिए। तुरंत तालाबंदी को खुलवाना चाहिए, फैक्ट्रियों को चालू करवाना चाहिए ताकि लोगों का रोजगार बच सके। भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपोर्टर्स और इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी, मजदूरों और सीमेंट ढुलाई के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों के साथ खड़ी है। सरकार 2-3 दिन में अगर इस समस्या का समाधान नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ मिलकर जन आंदोलन खड़ा करने से पीछे नहीं हटेगी। हम कंधे से कंधा मिलाकर इस वर्ग के साथ खड़े हैं और